उत्तर प्रदेश के आगरा में अचनेरा के गांव सहाई में दबंगों ने बड़ी बेरहमी से मारपीट की है। बच्चों के बीच बचाव को लेकर दबंगों ने लाठी डंडों से मारपीट की है। योगेश, उसकी मां पुष्पा देवी, सुधा और बच्चों को गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है और राजीनामा के लिए दबाव बना रही है। यह आरोप है पीड़ित का। वीरपाल, गौरव व कई अज्ञातों ने घर में घुसकर दबंगई की है। कहाँ रहते हैं आप? साई में। क्या मामला हुआ था? साई कॉलोनी है। अच्छा। मामला क्या है, इनकी लड़की रह जाती है, ये दोनों काम पर चले जाते हैं, लड़कियां रह जाती हैं, तो ये दो तीन चांस पड़ गए आते, वो आदमी ही इन लड़कियों को मार रहा है। क्या नाम है? वीरपाल। पिताजी का नाम क्या है? तुम्हारे पड़ोसी है, रहने वाला? गलती करी थी। कहाँ रहते, कहाँ पे वो? साई में। सही काम है। पहले भी ऊधम उछवा, किस बात को लेकर के ये बाप ना होता है? पहले ऊधम है चुका, वही मोड़ी मारी तो जाने नहीं, कह रही कि बाहर में जाने, मैंने मारी तो तीसरा चांस है। कल रात को क्या घटना हुई थी? अब मुझे घटना ऐसी हुई है कि जैसे वो मोड़ी में मार रही तो मार पीट के शांत है गए, मोड़ी चली गई भाजी कि मैं पुलिस में जा रही हूँ, मैं जो कर रही हूँ मैं जो कर रही हूँ, तो शांत हो गया। और ये आई तो फिर वो औरत लड़े में रह गई, तो मैं गई तो कही जी आ गई, जा पूछो मैं वो का पूछो भैया, वो का ना मालूम, वो का पूछ रही है तू? अब फिर चोट किस किस को आई है? हाँ, और चोट आई है, मुँह आई है, मेरी बहुए आई है, मेरे बेटा आई है, और दो तीनों बच्चों ने आई। किसने मारपीट करी है? मारपीट वाले बदमाश मंगाए हो, देखो कितने लोग थे? कुंडे ने ले गई है खींच के, नहीं दस बारह लोग थे। आप जानती हो उनको? अच्छा, जो हमलावर आए थे किस बात से, किस चीज चोट करिए? डंडे, लाठी डंडे थे, क्या था आपके पास? हमला हुआ था, वो हाथापाई हो गई ना उसमें, हमें मान मुंह में चाटा मारे, डंडे वंडे और कैसे, डंडे वंडे बदमाश ने चलाए सरिया। आपने पुलिस में रिपोर्ट करी थी? नहीं करी थी, पर वो पता नहीं, पुलिस ने सुनवाई नहीं करी? नहीं करी। रात को पुलिस पहुंची नहीं है? रात को पुलिस पहुंची।